आपने अपने चैनल सब्सक्राइब किया तो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपके अपने चैनल को ओमकार बैनर तले बनने वाली फिल्म नमस्ते बिहार का ऑडियो लॉन्च जोरदार तरीके से संपन्न हुआ। इस मौके पर बीजेपी नेता विशाल भगत, अभिनेता नीरज मल्होत्रा, सीमा भट्ट, फरीदा सिद्दीकी एवं अभिनेता राजन कुमार मौजूद रहे। वहीं फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो यह फिल्म बिहार के एक निडर और बेबाक नवयुवक डब्लू की कहानी है। डब्लू बड़ा प्रतिभाशाली लड़का है, लेकिन कुछ दबंग उसे गुमराह करके क्राइम की दुनिया में ले जाते हैं। डब्लू एक गुमराह नौजवान जरूर है, लेकिन उसके भी अपने असूल है, आदर्श है। वह गुंडागर्दी भी करता है, मगर उसका अपना एक तरीका भी है। समाज में लोग उसकी इज्जत भी करते हैं। फिल्म में एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा दर्शाने का प्रयास किया गया है। स्कूलों में मिड डे मील के मामले में हो रहे भ्रष्टाचार को भी इसमें उजागर किया गया है। डब्लू सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब बात बिहार की अस्मिता की हो तो किसी भी खतरे को मोल लेने के लिए तैयार रहता है। फिल्म में ऐसी घटनाएं घटती है कि वह बिहार के दुश्मनों के लिए मोर्चा खोल देता है। वहीं इस मौके पर लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्ते बिहार आप आए, और क्या कुछ एंटरटेन को क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी? मुझे पहली बात तो ये टाइटल बहुत अच्छा लगा, नमस्ते बिहार। अपना कल्चर इसमें नज़र आता है, नमस्ते के उसमें। और आज बिहार तरक्की कर रहा है धीरे धीरे, पहले पिछड़ा हुआ था मानते हैं, और जैसा मुझे समझ में आया है जो इसमें ट्राई कर रहे हैं दिखाने का, द टाइम टू शो कैसे बिहार तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, मॉडर्न हो रहा है। और जो लोगों का एक कंसेप्ट बना हुआ है कि बिहार पिछड़ा हुआ है, वो सब ये शायद देखने के बाद उनके दिमाग से निकल जाएगा। जैसे फॉरेन कंट्री वाले भी हमारे इंडिया को दिखाते हैं बहुत पिछड़ा हुआ, जब यहाँ आते हैं तो उनकी आँखें खुल जाती है, ये तो बहुत डेवलप है। मुझे लगता है सेम ऐसा ही होगा, लोग जो बिहार के बारे में सोचते हैं जब वहाँ जाएंगे तो देखेंगे तो काफ़ी डेवलप। बस इतना ही कहना चाहूँगा, और मेरी शुभकामनाएँ हैं इस फिल्म। राजन कुमार जी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए, तो मैं नमस्ते बिहार हिंदी में पहली बार इस तरह का बड़ा फिल्म बनाने का सोचा है। और सबसे बड़ी बात है कि नमस्ते बिहार का जो ऑडियो रिलीज आज है, उसका खासियत ये है कि हमारे जो बिहार में जो लोग हैं, आप देख लें जो विश्व में सबसे ज़्यादा नाम करने वाले लोग हैं, जैसे आज के डेट में हमारे गौतम बुद्ध जी को ले लीजिए, महावीर जी को ले लीजिए, सरदारों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे बहुत से महानुभव लोग जो हैं पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाए हुए हैं। आज अगर डॉक्टर इंजीनियर की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में अगर बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स अगर है तो बिहार के हैं। और बिहार के लोग कम से कम 150-200 लोग ऐसे महानुभव लोग हैं जो आज पूरे विश्व में कीर्तिमान हासिल किए हुए हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो मैं सभी बिहारवासियों को नमस्ते बिहार कहना चाहती हूँ। ये शब्द, ये जो टाइटल है बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हर बिहारी को बड़ा अच्छा लगता है। और राजन को मैंने लगभग बचपन से देखा है, तो उसकी कामयाबी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है वो मेरी कामयाबी है, उसमें मैं अपने आप को उसकी सफलता में देख रही हूँ। और काफ़ी स्ट्रगल करता रहा, पटना में मिलता था, फिर दिल्ली में मिलता था, फिर अचानक वो मुंबई में मिला, और आज पता चला कि उसने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है नमस्ते बिहार, और आज उसका ऑडियो लॉन्च है, जो कि बिहार की मिट्टी, बिहार की खुशबू, बिहार के जो संगीत हैं अच्छा लगा। और अमन जी का इसमें म्यूजिक है, आप सुनिएगा ज़रूर यूट्यूब पे नमस्ते बिहार का। आपने सब सुना गाना? जी हाँ। कितने गाने हैं इसमें? पांच गाने हैं। सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा आया आपको गाना? मुझे दो दिल मिले। पहले तो आप तमाम मीडिया कर्मी जो इस इवेंट को कवरेज कर रहे हैं, अमन श्लोक की तरफ से आपका शानदार इस्तकबाल करता हूँ। और नमस्ते बिहार सिर्फ एक फिल्म ही नहीं है, नमस्ते बिहार एक क्रांति है, युवाओं को आगे बढ़ने का प्रेरणा देने वाली है। और जो किसान खुदकुशी कर रहे हैं, जो युवा पीढ़ी आज बिहार में भटक गए हैं, उसको भी एक दिशा निर्देशन देती है ये फिल्म। बहुत बड़े कैनवास की ये हिंदी फिल्म है, और
बिहार के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने फिल्मों में यूज किया है, मगर इन्होंने इनकी विशेषता इस फिल्म की ये नमस्ते बिहार की कि जिस धरती पे गुरु गोविंद सिंह, जिस धरती पे विद्यापति राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे वीर कुंवर सिंह जी और सीता माता, तो इतनी पावन धरती और इतना बड़ा ये हम लोगों का इतिहास है, बिहार की धरती का इतना पावन है कि शब्दों में व्यक्त हम नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं नमस्ते करता हूँ पूरी मीडिया को और जितने भी यहाँ पे आए हैं, लेकिन सभी को नमन करता हूँ मैं। राजेंद्र कुमार जो है ना, एक ऐसा शख्स है, ऐसे इंसान है जिनके नाम गिनीज बुक में है, जिनके नाम लिम्का बुक में है, जिनके नाम ऐसा कोई बुक नहीं है जहाँ पे इनका नाम ना हो। तो ऐसे शख्स के बारे में क्या बताऊँ, मेरा कोई बुक में ना नाम है, मेरा कोई गिनीज बुक में नाम है, लेकिन इस इंसान के हर जगह पे नाम है, इसलिए इनको सैल्यूट करता हूँ। और इंडिया के लिए काम करता है, इंडिया की खुशबू के लिए वो काम करता है, इंडिया के लिए संस्कृत के लिए वो काम करता है, सबसे पहले उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। फिल्म की बात है तो फिल्म का नाम है नमस्ते बिहार। बिहारी लोगों को मैं सभी को सलाम करता हूँ, अदब करता हूँ, क्योंकि बिशन भगतपुर के एक मेरा बड़ा भाई है, वो भी बिहार से है और बिहार की प्रकोष्ठा, वो आज मुंबई अध्यक्ष है RBJP का। तो बिहार के मेरे बहुत लोग हैं जो जाने माने हैं, जो बहुत सारे लोग हैं। ये जो फिल्म है ना नमस्ते बिहार, ये ऐसा एक चेहरा दिखाया है, मुकुट दिखाया है, मुकुटा दिखाया है। इंडिया के हर इंसान को नमस्ते करना चाहिए, क्योंकि आ रहा है, बराबर आ रहा है। राजन सर जो है हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं और हमेशा हम करीबी रहते हैं, और इस तरह से नमस्ते बिहार जो फिल्म आई है, इसके लिए हम लोगों का इतना सपोर्ट और इतना हमारे करीबी दोस्त हैं कि इनसे इसमें आइडियो जो सॉन्ग रिलीज हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने हैं। आज म्यूजिक लॉन्च पे उन्होंने मुझे बुलाया, बहुत खुशी हुई। और मैं पिछले काफ़ी टाइम से इनके साथ हूँ, तो मैंने म्यूजिक सुना है, वैसे तो सारे गाने ज़बरदस्त हैं, दमदार, बट स्पेशली अगर मैं म्यूजिक डायरेक्टर साहब की अगर तारीफ करना चाहूँगा, स्पेशली मैं टाइम कुमार जी मेरे बड़े भाई साहब हैं, इन्होंने जो इस फिल्म नमस्ते बिहार के माध्यम से जो एक इन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है, वो आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो बिहार, फर्स्ट ऑफ ऑल अमन श्लोक, यू आर टू गुड, माइंड ब्लोइंग। ये म्यूजिक ने तो फिल्म को एक हाइप दे दिया है, और यकीन जानिए आज म्यूजिक लोगों के बीच में है, ऑडियो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। सुबह सबसे पहले कॉल लंदन से था, लोगों ने वहाँ तारीफ की कि तुमने जो ये एंथम डाला है कमाल का है। अमन जी बधाई के पात्र हैं, उन्होंने हमारे विश्वास को कायम रखा, हमने जितनी भी मेहनत उनके साथ की वो सब दिखता है इस गाने में। तो अमन जी थैंक्स। दूसरा थैंक्स मैं श्यामला म्यूजिक को करना चाहूँगा, अगर आप म्यूजिक कंपनी नहीं होते तो शायद हम इतने अच्छे गाने लोगों तक नहीं पहुंचा पाते, तो श्यामला म्यूजिक थैंक्स। सेकंड, जो आज हमारे गेस्ट जो हमारे म्यूजिक लॉन्च में आए हुए थे, उन तमाम गेस्टों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। उसमें से कुछ मेरे ऐसे शुभचिंतक थे, मेरे ऐसे गार्जियन थे जिन्होंने बचपन से मुझे एक्टिंग करते हुए देखा है, जब उन्होंने प्रोड्यूसर के रूप में, प्रोड्यूसर तो मैं नाम मात्र का हूँ, एक कोशिश है, बेसिकली आई एम एन एक्टर, तो जो एक लीडिंग वाली बात रही इस फिल्म में और ऑडियो पर जो हमने काम किया वो बहुत सेटिस्फैक्टरी है और लोगों को पसंद आ रहा है, ये और ज़्यादा खुशी है। इसमें जो हमारे सिंगर रहे हैं इस गानों के, उसमें सुर संग्राम के विजेता हैं आलोक कुमार, आपने एक रुपया लेकर जो एंथम सॉन्ग गाया था गुरु, आप यकीन जानिए वो लोगों को बहुत एहसास करा रहा है। बिहार, पूरा देश प्राउड फील करेगा आप पर, क्योंकि आपने सुर संग्राम को जीता है। उसके बाद आपने अपने टाइट शेड्यूल में, मुझे याद है कि आपकी फ्लाइट थी 7 बजे की और आप स्टूडियो पहुंचे थे कुछ 5 बजे के आसपास, आपने कहा कि मुझे निकलना है फटाफट, हमने कहा सर हम आपको टाइम पे पहुंचा देंगे, और यकीन जानिए 1 घंटे में हमने आपको गाना तैयार करवा के अमन श्लोक जी के साथ आपने गाया, और फिर हम आपको एयरपोर्ट लेकर गए थे लास्ट मोमेंट, मुझे याद है वो वाक्य, बहुत अच्छा गाया आपने। फर्स्ट पोस्टर जो आप देख रहे हैं, जो हमने लॉन्च किया था फर्स्ट लुक, अभी आपको तकरीबन 10 से 15 अलग अलग शेड्स, हमारे कलाकारों का इंट्रोडक्शन सारे नज़र आएंगे आपको पोस्टर्स में। ये तो एक पहला पोस्टर है, फर्स्ट लुक्स वाला है, इसलिए ये म्यूजिक ऑडियो वीडियो में है, ये ऑडियो में है, वीडियो में कोई और पोस्टर होगा। और ये लुक जो है वो, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आप, जो तुमको पसंद हो वही बात करेंगे। आप बिहार को जिस रूप में देखते रहे हैं, हमने सोचा है कि शुरुआत तो वहाँ से हो, उसके बाद देखिए आप कि कैसे आपका इरादा चेंज होता है बिहार को लेकर। वहाँ के जो जज्बाती लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो कर्मठ लोग हैं,
वो आपको नजर आएंगे इस फिल्म में। इसके गीतकार का राजेश मिश्रा जी इसके गीतकार हैं और बहुत काबिले तारीफ गीत उन्होंने लिखा है और इस गीत को मैं बहुत दिनों से सजो के रखा था कि किसी एक ऐसी जगह पे दूंगा जो अनमोल हो और बहुत अच्छे ढंग से इसका पिक्चराइज हो। और